नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सोनम के साथ आप सभी बच्चों का हिमोथान एजुकेशन फिजिकल लिटरेसी एंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव ऑनलाइन प्रोग्राम में स्वागत है। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एजिलिटी सेशन लेकर के आई। बच्चों, वार्म अप, शरीर को गर्म करने के लिए हम वार्म अप करते हैं। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस खिंचाव से बचने के लिए, जिससे कि हम इंजर्ड ना हो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। आपे बच्चों, आपकी अल्टरनेटिव टो टच, अल्टरनेटिव टो टच के लिए आपको क्या करना है, लेग्स थोड़े से ओपन करने हैं और आपको वाइड वर्सा करते हुए अपनी टो को टच करना है। इट मींस राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करनी है, लेफ्ट हैंड से राइट लेग और राइट टो टच करनी है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पोजिशन मेरी ये रहेगी, देन पहले मेरे को टो टच करनी है, देन अप, देन टो टच, देन अप, देन टो टच, देन अप, देन टो टच, देन अप। इस एक्सरसाइज को करने से इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ शोल्डर, लेग्स एंड हिप्स की मोबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी और इस एक्सरसाइज को आपको मिनिमम 60 सेकंड तक करना है। हाई नी जंप, हाई नी जंप करने के लिए आपको क्या करना है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट करनी है, हाथ बिल्कुल ऐसे रहने चाहिए एंड नी को आपको टच करना है पाम से। ये कोशिश करनी है कि आपकी जो पाम है वो नी से टच होनी चाहिए इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को करने से आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, साथ ही आपकी होल बॉडी वार्म अप होगी और ये एक्सरसाइज आपको 60 सेकंड तक करनी है। बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 4 से 5, 5 से 6 बॉटल्स रखनी है, ठीक है, क्रॉस में, ये क्रॉस करते हुए आपको बॉटल्स रखनी है जैसे मैंने रखी है। अब मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन के लिए दिखाती हूँ। सेम आपकी पोजीशन यही रहेगी, नी बेंड होगी, ग्लूट्स थोड़े से अप हो गया और हाथों की पोजीशन आपकी ये रहेगी एंड देन आपको फास्ट रनिंग करनी है इस तरीके से, जितनी फास्ट आप कर सकते हैं। देन करने से आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, साथ ही आपकी फुट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और आपको टारगेट सेट करना है कि फर्स्ट राउंड में आपने जितनी बार ये करा है नेक्स्ट राउंड में ज्यादा से ज्यादा करें। देखिए, आपको 3 वाटर बॉटल लेनी है, एक इस पॉइंट पे रखनी है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, कुछ दूरी पे आपको अपनी जितनी दूरी पे आप रखना चाहे, और आपको कैपिटल वी बनाना है। अब मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाती हूँ। पहले आपकी जो पोजीशन रहेगी, नी हल्की सी बेंड होगी, आपके ग्लूट्स अप होंगे एंड जो आपका एब्डोमिनल है वो बिल्कुल टाइट होगा और पोजीशन आपकी हैंड्स की पोजीशन ये रहेगी एंड देन जैसे हम रन करते हैं ये पोजीशन रहेगी हमारी। देन हमें फॉरवर्ड करना है, देन बैकवर्ड, देन अगेन फॉरवर्ड फास्ट एंड देन बैकवर्ड। तो ये बच्चों हमारी वी ड्रिल। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी स्पीड, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और आपको टारगेट सेट करना है कि फर्स्ट राउंड में आपने जितनी बार एक्टिविटी करी है नेक्स्ट राउंड में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा। ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको कुछ दूरी पे 4 से 5 बॉटल्स रखनी है जैसे मैंने रखी हुई है, राइट, एक फील्ड में। अब आपको जिगजैग बनाते हुए रन करनी है अपनी टो की हेल्प से, ये आपकी पोजिशन रहेगी। देन आपको ये करना है, जितनी स्पीड से आप कर सकते हैं फुल स्पीड से करेंगे आप। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट राउंड में आपने जितनी बार एक्टिविटी करी है टारगेट सेट करना है कि नेक्स्ट राउंड में ज्यादा से ज्यादा। ड्रिल करने के लिए आपको 4 बॉटल रखनी है कुछ दूरी पे जैसे मैंने रखी, जितनी दूरी पे आप रखना चाहें। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट बॉटल रखी है स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले आपको यह करना है फॉरवर्ड रन करनी है, देन आपको शफल करना है, देन बैकवर्ड करना है, देन शफल करना है। किसी को अब हम फास्ट करते हैं, देन शफल, देन बैक रनिंग एंड देन शफल। इस एक्सरसाइज को करने से आपका स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इंप्रूव होगा और आपको टारगेट सेट करना है कि फर्स्ट राउंड में आपने जितनी बार एक्सरसाइज करी है नेक्स्ट राउंड में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा। एक्टिविटी के लिए आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए, आपको एक बॉल चाहिए।
जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बॉल बनानी सिखाई थी, कैसे आप बेस सॉक से बॉल बना सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है। अब आपको चैलेंज क्या है आपके लिए, एक्टिविटी क्या है आपके लिए, कि आपको अपनी हाइट से थोड़ा ऊपर आपको एक सर्कल बनाना है वॉल पे। एक बॉल लेनी है आपको और बॉल पे आप सर्कल बनाएंगे, ठीक है। आपको उसको मार्किंग करनी है चौक से मार्किंग कर सकते हैं या आप कोयले से, जैसे जैसे आप चाहें जैसे आपको मार्किंग करनी है। अब आपको इस तरीके से एक सर्कल बनाना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इस गोले के अंदर यानी कि सर्कल के अंदर आपको बॉल थ्रो करनी है एंड देन कैच करनी है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आप पास से थ्रो करेंगे, ठीक है, एंड टारगेट करना है कि जो बॉल का जो थ्रो जाए वो इस होल के अंदर ही जाना चाहिए एंड देन कैच पकड़ते समय आपका जमीन में नहीं गिरना चाहिए। जब आप पास से पकड़ेंगे तो अब आपको धीरे धीरे क्या करना है, स्लोली ग्रेजुअली आपको थोड़ी सी अपने डिस्टेंस को और दूर करना है एंड देन कैच करना है इस तरीके से, ठीक है। ये गेम आप अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ यानी कि सिबलिंग्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ भी प्ले कर सकते हैं और हमारे साथ वीडियो शेयर करें। अब है बच्चों कूल डाउन। कूल डाउन हमारी बॉडी की मसल्स और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए कूल डाउन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। के लिए आपको क्या करना है, आपकी पोजीशन रहेगी, एक लेग आपका थोड़ा सा आगे रहेगा, ये वाला पैर आपका इस तरीके से पीछे रहेगा और ये लेग आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा इस तरीके से, ठीक है। एंड देन अब आपको क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रेच करते रहना है। ये एक्सरसाइज करते समय आपको यहाँ पे कांप पे स्ट्रेच फील होगा, आपके बैक पे स्ट्रेच फील होगा और आपके शोल्डर पे आपको स्ट्रेच फील होगा और ये एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड तक करने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले इस तरीके से बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो राइट लेग है वो इनका सा फोल्ड होगा एंड लेफ्ट लेग आपका इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेच होगा और ये फोल्ड होगा एंड देन आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को करते समय आपको ग्लूट्स पे आपको स्ट्रेच फील होगा, आपके बैक पे आपको स्ट्रेच फील होगा, थोड़ा बहुत आपके शोल्डर पे स्ट्रेच फील होगा एंड देन आपके लेग पे स्ट्रेच फील होगा। तो आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। सेम विथ अनदर लेग, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड देन ये सेम आपको फिर इसमें भी एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक होल्ड करना। आज के लिए इतना ही। अपने आप को चुनौतीपूर्ण बनाए रखें, इन एक्सरसाइज को जितनी बार संभव हो दोहराएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।